कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और लाजिमन कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अहमद शाह तिरमजी, जिनका ताल्लुक ISI से था, वो अपनी एक तहरीर में लिखते हैं कि विफाक की दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में कई ममालिक के सिफारतखाने मौजूद हैं। दुनिया के मुतअद्दिद सिफारतखानों ने अपने अमले के बच्चों की इब्तदाई तालीम और तरबियत की गरज से एम्बेसी स्कूल खोल रखे हैं, खास तौर पर उन ममालिक ने जिनके अमले की तादाद ज्यादा है और तालिब इल्म भी काफी तादाद में है। ये सिलसिला दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक में मौजूद है और बज़ाहिर किसी हवाले से भी सिफारती आदाब और कवायद के खिलाफ नहीं। मगर ये भी हकीकत है कि इन स्कूलों में महज दरसो तदरीस का काम ही नहीं होता, बल्कि इन स्कूलों के अमले के कई अरकान को तालीमी सरगर्मियों की आड़ में जासूसी के काम पर भी मामूर किया जाता है। खुफिया एजेंट इसी तरह के दूसरे इदारों, मसलन एयरलाइंस के दफातर, होटलों, लैंग्वेज सेंटर्स, एवान हाय सकाफत दोस्ती और मराकज इतलात में भी तैनात किए जाते हैं। मैं और मेरी टीम मामूल की चेकिंग पर थे कि हमें भारतीय एम्बेसी स्कूल की एक खातून टीचर वीना की सरगर्मियां मशकूक लगी और हमने उस पर नजर रखना शुरू कर दी। चंद दिन के बाद ही मालूम हो गया कि मिस वीना का किसी भी किस्म का ताल्लुक दर्स व तदरीस से नहीं, बल्कि वो उस्ताद के रूप में एक जासूस है। सांप को बिल से निकालने के लिए हमने मंसूबा तैयार किया और एक हिंदू पाकिस्तानी खातून को अपने बेटे को भारतीय एम्बेसी स्कूल में दाखिल करवाने पर रजामंद करके तमाम प्लान समझा दिया। हिंदू पाकिस्तानी खातून ने बेटे की तालीमी सरगर्मियों पर परेशानी और दूसरे तीसरे रोज स्कूल में आना जाना शुरू कर दिया और जल्द ही मिस वीना के करीब हो गई। और फिर एक वक्त आया कि दोनों करीबी सहेलियों की सूरत मार्केटों में शॉपिंग, पार्कों में चहलकदमी और सिनेमा में फिल्म देखने जाने लगी। मिस वीना उस हिंदू पाकिस्तानी खातून को अपना आलायकार बनाने का सोच रही थी, जबकि उसको मालूम नहीं था कि सयाद खुद जाल में फंस चुका है। हिंदू पाकिस्तानी खातून और हमारी नजरों ने जल्द ही मिस वीना की हकीकत हम पर आश्कार कर दी और उसकी कड़ी निगरानी का काम शुरू कर दिया गया। एक रोज भारतीय एम्बेसी की जानिब से इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में कमरा बुक करवाया गया। यूं तो ये एक मामूल की बात थी, मगर सिफारत खाने के मेहमानों की शनाख्त और उनके बारे में जानना हमारे फराइज में शामिल था। होटल से हमारे आदमी ने इत्तला दी कि मिस वीना भारतीय डिफेंस अटैची की गाड़ी में सिफारत खाने के अमले के एक रुकन मिस्टर खन्ना के साथ, जो रॉ की टीम का मेंबर भी था, होटल पहुंची है और खन्ना वीना को होटल के कमरे में छोड़कर लॉबी में बैठा शायद किसी मेहमान का मुंतजर है। हमने एयरपोर्ट से राबता किया तो मालूम हुआ कि इस वक्त कोई जहाज नहीं आ रहा और ना ही भारतीय सिफारत खाने की कोई कार एयरपोर्ट गई है। इससे जाहिर हुआ कि मेहमान कोई यहीं का है। हमारी टीम ने जरूरी साजो सामान के साथ अपनी पोजीशन संभाल ली। चंद लम्हों के बाद परवेज नामी एक पाकिस्तानी नौजवान, जिसके चेहरे से सरासीमगी और खौफ टपक रहा था, होटल की लॉबी में दाखिल हुआ। मिस्टर खन्ना ने आगे बढ़कर गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया और कहा कि आइए परवेज साहब, हम तो आपके देर से मुंतजर हैं, और उसे उस कमरे में ले गया जहाँ मिस वीना मौजूद थी। हमारे साथ ही मुख्तलिफ रूप में होटल में मौजूद थे। कुछ देर के बाद कमरे से रूम सर्विस को इंटरकॉम पर चाय और सैंडविचेस का ऑर्डर दिया गया। हमारा तरबियत याफ्ता वेटर फौरी तौर पर चाय की ट्रॉली लेकर रवाना हो गया, जिसमें एक छोटा सा ट्रांसमीटर नस्ब था। वापसी पर वेटर ने बताया कि वीना अपने मेहमान पर अपना सब कुछ निछावर करने के लिए बेचैन है, मगर उसका मेहमान सहमा हुआ और शर्मीला है, जबकि मिस्टर खन्ना दलालों का रिवायती किरदार अदा कर रहा है और उसकी कोशिश है कि मिस वीना अपने मेहमान के तमाम हवास पर कब्जा कर ले। बहरहाल हम ट्रॉली में लगे ट्रांसमीटर की मदद से उन लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थे। कुछ ही देर के बाद खन्ना कमरे से बाहर आ गया और अपनी कार में बैठकर वापस एम्बेसी चला गया। परवेज तकरीबन आध घंटा कमरे में रहा और वीना को अपना एड्रेस लिखवाकर और वसल का एक और वादा लेकर नीचे आ गया, मगर उसकी हरकत सकनात से साफ जाहिर हो रहा था कि उसकी घबराहट चूं की तू है। होटल से निकलते ही हमने उसका पीछा किया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने रेस्ट हाउस ले गए। तफ्तीश शुरू हुई तो वो अपनी शनाख्त कराने से हिचकिचा रहा था। नतीजतन हमने वीना के साथ उसकी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग उसे सुनाई तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया और माफी मांगने लगा। उसने बताया कि मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इंजीनियर हूँ
और खन्ना के साथ मेरी मुलाकात लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए एक बस में हुई थी। हम बहुत जल्द दोस्त बन गए और खन्ना ने मुझे एक खूबसूरत हिंदू लड़की से मिलवाने की पेशकश की, जिसे मैं ठुकरा न सका। हमारे लिए इसमें हैरत की कोई बात नहीं थी कि भारतीय खुफिया इदारों ने चाणक्या की तालीमात के मुताबिक औरतों से जासूसी का काम लेने को भी अपने कल्चर का हिस्सा बना रखा था। मिस बीना अभी होटल के कमरे में मौजूद थी। या तो वो खन्ना का इंतजार करती या फिर एम्बेसी फोन करती कि होटल में मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है और मुझे आकर यहाँ से ले जाया जाए। अब हमारे पास होटल का महाज ही था और वक्त बहुत कम। वीना तक रसाई हासिल करना खतरे से खाली न था। वो हमारे किसी भी अहलकार की कमरे में मौजूदगी की सूरत में अलार्म बजा सकती थी और हमारे लिए एक पेचीदा सिफारती तनाजा पैदा हो सकता था। दूसरी जानिब ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिससे फायदा न उठाना हमारी खुफिया रिवायात के खिलाफ था। किसी भी रिस्क की सूरत में कामयाबी की तवक्को 50-50 थी। ताहम मिस बीना की शख्सियत और किरदार को सामने रख कर हम इस बात का यकीन कर चुके थे कि अगर इस सूरत हाल में महारत और चाबुक दस्ती से काम लिया जाए तो इस भारतीय जासूसा को शीशे में उतारना मुश्किल न होगा। हमारे लिए ये $1 million चांस था जिसे आजमाया जा सकता था। हमने लम्हों में हतमी फैसला किया और कुछ ही देर बाद मंसूबे के मुताबिक केस ऑफिसर होटल के सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के रूप में कमरे में दाखिल हुआ, अपना तारुफ करवाया और होटल की सर्विस के बारे में मामूल की गुफ्तगू करने लगा। वीना को जरा बराबर शक न गुजरा। उसके लिए सब मामूल की बात थी। वो इंतहाई मुतमईन और खुशगवार मूड में थी। हमारे अफसर ने बात को आगे बढ़ाते हुए भारतीय साड़ियों, फिल्मों की बातें करना शुरू कर दी। वीना ने इस गुफ्तगू में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और हमारे ऑफिसर को बैठने के लिए कहा। वेटर ट्रॉली लेकर चला गया और गुफ्तगू का मौजू जाती मालूमात तक आ गया। हमारा वार कारगर साबित हुआ। वीना जल्द ही हमारे केस ऑफिसर को तुम कहने की हद तक आ गई। वो बातों में इस कदर महव हो गई कि उसे सिफारत खाने फोन करना भी याद न रहा। उधर खन्ना और उसके अफसरान बाला यकीनी तौर पर इस बात पर जाम मुसरत पी रहे होंगे कि बिलाखिर उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऑफिसर का लहजा तब्दील हो गया और उसकी गुफ्तगू मानी खेज होती गई। जब वीना को एहसास हुआ कि होटल के उस ऑफिसर को वीना की इस कमरे में आमद और उसके मकासद से पूरी तरह आगाही है, तो वीना की सूरत एक ऐसे मजबूर, बेकस और भूखे बच्चे किसी हो गई जिसे बेकरी से डबल रोटी चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। उसकी आंखें भर आईं और उसकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस होने लगी। वीना ने अपनी दास्तान हयात सुनाना शुरू की। उसने बताया कि मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मेरे वालिदैन ने मेरी परवरिश इंतहाई गुर्बत और कसमापुरसी के बावजूद बड़े नाजो नाम से की। मैंने 2 ही साल पहले ग्रेजुएशन की है। मेरा ख्याल था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद टीचर बनूंगी, मगर कोशिश के बावजूद मुझे नौकरी न मिल सकी। फिर एक रोज मेरी एक दोस्त के खामिंद ने मुझे अपने एक दोस्त से ये कहकर मुतारिफ करवाया कि ये एक आला सरकारी अफसर हैं और तुम्हारे लिए मुलाजमत का बंदोबस्त कर सकते हैं। बाद में मुझे इल्म हुआ कि इनका ताल्लुक भारतीय इंटेलिजेंस से है। उन्होंने मेरा सरसरी सा इंटरव्यू लिया और मुझे बताया कि मैं तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम कर सकता हूँ, मगर ये नौकरी भारत में नहीं, पाकिस्तान में भारतीय एम्बेसी स्कूल में होगी। मैं तैयार हो गई। मुझे रॉ के एक ट्रेनिंग स्कूल में भेज दिया गया जहाँ असलहा चलाने के अलावा इखलाक बाख्ता फिल्मों के जरिए मर्दों को काबू करने के तरीके सिखाए गए। हमारे इंस्ट्रक्टर हमारी इज्जतों से खेलते और ये सिलसिला दिन रात चलता रहता, जिस पर मैंने एतराज़ भी किया, मगर कहा गया कि ये तरबियत का अहम हिस्सा है। उनका कहना था कि तुम्हारे लिए ये तरबियत इंतहाई ज़रूरी है और तुम्हें मुल्क कौम के अजीम तर मफाद के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। वीना की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। हमने बड़ी महारत से वीना की टूटी फूटी शख्सियत को बहाल किया और उसे वो तमाम इज्जत और गैरत मुहैया की जो वो खो चुकी थी। वीना ने जब हमारे हुस्न सलूक का अपने हिंदू आकाओं के किरदार से मुआजना किया तो उसके लिए ये मुश्किल न रहा कि उसे अपने नाम निहाद वतन परस्त दोस्तों की बजाय अपने दुश्मनों का साथ देना चाहिए। इसलिए वो हमारे लिए डबल एजेंट के तौर पर काम करने के लिए तैयार हो गई। वीना हमें भारतीय सिफारतखाने में होने वाली मुलाकातों के बारे में बराबर अपडेट करती रहती। वीना को जब पाकिस्तान से वतन वापसी के अहकाम मौसूल हुए तो वो बेहद अफसरदा और गमगीन थी। वो हमेशा के लिए पाकिस्तान में रहने को तैयार थी,
मगर दिल पर पत्थर रखे वो पाकिस्तान से रवाना हो गई।